नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसीएन न्यूज पर। मैं हूं शाहिन खान। नजर डालते खबरों पर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय नई दिल्ली के भारत मंडपम में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक में शामिल हुए। बैठक में छत्तीसगढ़ में चल रहे राजमार्ग परियोजनाओं के निर्माण कार्यों की समीक्षा की गई। इस दौरान केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री अजय टामटा और हर्ष मल्होत्रा भी मौजूद रहे। वही छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव भी समीक्षा बैठक में शामिल थे। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की समीक्षा बैठक के दौरान चार नई परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। बता दें कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री अरुण साव नई दिल्ली के लिए रविवार की रात रवाना हुए थे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा था कि इस समीक्षा बैठक में राज्य के विकास और राजमार्ग निर्माण की गति को लेकर विस्तृत चर्चा होगी। माननीय केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी जी के साथ बैठक है और इसलिए आज दिल्ली प्रवास में जा रहे हैं। हाँ, कल विस्तृत चर्चा होगी, कहे कि सेपरेट छत्तीसगढ़ के साथ में बैठक है और इसमें हमारे जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं और डिप्टी सीएम श्री अरुण साव जी और विभाग के सारे अधिकारी भी जा रहे हैं, तो कल छत्तीसगढ़ के संबंध में विस्तृत चर्चा होगी। सड़क एवं परिवहन मंत्री माननीय नितिन गडकरी जी अलग अलग राज्यों के साथ उन राज्यों के सड़क परियोजना को लेकर बैठक कर रहे हैं। उसी क्रम में छत्तीसगढ़ राज्य की बैठक वो करेंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी और विभागीय मंत्री होने के नाते मैं और हमारे विभाग के अधिकारीगण इस बैठक में शामिल होंगे। राज्य के अधोसंरचना विकास के लिए सड़कों के निर्माण के संबंध में जो राज्य के परियोजना है उसे लेकर चर्चा होगी। केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ में अधोसंरचना के विकास के लिए प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में माननीय नितिन गडकरी जी लगातार सहयोग कर रहे हैं और इस बार भी हम अपने राज्य से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं पर उनसे चर्चा करेंगे। अहिवारा तहसील के ग्राम गिरहोला में हो रहे मुरम उत्खनन परिवहन को लेकर ग्रामीणों ने जन दर्शन पहुँच कर इस पर रोक लगाने की गुहार लगाई। इस दौरान ग्रामीणों ने बताया कि पंचायत सरपंच एवं खनिज अधिकारी की साठगांठ से अवैध मुरम उत्खनन एवं परिवहन की अनुमति दी गई है। ग्राम पंचायत गिरहोला के तहसील अहिवारा में ग्राम पंचायत सरपंच एवं खनिज अधिकारी की साठगांठ से अवैध मुरम उत्खनन एवं परिवहन की अनुमति दिए जाने का आरोप लगाते हुए दुर्ग कलेक्ट्रेट पहुंचकर ग्रामीणों ने जन दर्शन में शिकायत दर्ज कराई और ज्ञापन सौंपा। इस दौरान उन्होंने गिरहोला में हो रहे अवैध मुरम उत्खनन परिवहन पर रोक लगाने की मांग की। इस दौरान ग्रामीणों ने बताया कि गिरहोला में बरसी में कई बड़े तालाब निर्माण हो चुके हैं, इसके बावजूद मुरम उत्खनन के बहाने तालाब बनाने के नाम से ग्राम पंचायत सरपंच द्वारा गलत प्रस्ताव देकर समतल भूमि को अवैध मुरम उत्खनन एवं परिवहन कराया जा रहा है। साथ ही वर्तमान में हिंदू रीति रिवाज के तहत पितृपक्ष चल रहा है, इस पितृपक्ष दिन में शमशान घाट में अवैध मुरम उत्खनन एवं परिवहन कर शांत माहौल को अशांत किया जा रहा है। इस संबंध में उन्होंने और खनिज अधिकारी ने क्या कहा, आप भी सुनिए। हम आए हैं मुरम खदान ला रोक लगाए, अवैध रूप से खनन कर तुला काम मशान हो रहा है। मशानगंज है ना अपना गिरहोला और ग्राम गिरहोला में उसको खोदा, उसमें क्या कंकाल भी पाया गया है और बगल में तालाब रहने के बाद भी तालाब स्वीकृति करा के उसको खोदाई कर रहे हो। सरपंच और माइनिंग विभाग के जरिए सरपंच और माइनिंग ऑफिसर भी आया था, उन लोग तालाब के लिए बोल रहा था तालाब खोदाया ऐसे करके। हम लोग गए थे और कुछ नहीं, तालाब के लिए बस है और कुछ नहीं होगा उसके बाद बोला, और उस और क्या रॉयल्टी मांगे तो रॉयल्टी भी नहीं दी उन लोग। मेरा नाम शशि बघेल है, मैं ग्राम गिरहोला से आया हूँ। गिरहोला में अवैध मुरम खनन हो रहा है, हम लोग उसी के समस्या के लिए आए थे और साहब लोग भी आए थे, तो उन लोग जो खनन करवा रहे पंचायत द्वारा उन लोगों का पूरा साठगांठ है। उन लोग बोल रहे हैं तालाब गहरीकरण होगा करके, और उसमें तालाब गहरीकरण मतलब ज्यादा ही हो रहा है। सरपंच से शिकायत के
सरपंच तो कुछ नहीं बोल रही है, मैं क्या करूं बोलती है। इन लोग का सब लोग का मिली भगत है ना सर। कलेक्टर महोदय ने कहा हम खनिज अधिकारी से बात कर रहे हैं, रोक लगाएंगे करके बोले हैं। अगर रोक नहीं लगेगा तो हम लोग भारी मात्रा में जाके वहाँ पे बंद करवाएंगे या फिर चक्का जाम करवाएंगे वहीं पे। गिरोला ग्राम पंचायत में ये मुरुम के परिवहन अनुज्ञा हेतु आवेदन प्राप्त हुआ था, जिसमें हमने 3 माह के लिए परिवहन अनुज्ञा दिया गया है एवं अभी उसको एडवांस रॉयल्टी भी जमा की गई उसके द्वारा और परिवहन पार पत्र भी दिया गया है। जो शमशान घाट के पीछे साइड में तालाब बना है और ग्राम पंचायत के अंतर्गत ही वो तालाब आता है, एक बार चूंकि शिकायत आपके द्वारा प्राप्त हुई है, मैं जांच करवा लेता हूँ। शिकायत यदि सही पाई जाएगी तो हम कार्रवाई करेंगे। एसीएन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। भिलाई में 2 कथित पत्रकारों के खिलाफ सुरेला थाने में 1,65,00,000 रुपए की ठगी का मामला दर्ज किया गया है। जुनवारी स्थित श्री शंकराचार्य अस्पताल के पास चाय गुमटी चलाने वाले धीरज महतो और मुकेश तांडी नामक पीड़ितों ने आरोप लगाया है कि गोविंदा चौहान और उसके साथी रविकांत मिश्रा ने स्वयं को पत्रकार बताते हुए दोनों दोस्तों से कहा था कि भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी योजनाओं का लाभ दिलवाऊंगा, इसके लिए दोनों को बैंक अकाउंट खोलना पड़ेगा। दोनों पत्रकारों ने उनके नाम पर अलग अलग बैंकों में खाता खुलवाया और उसमें 80 और 85 लाख यानी 1,65,00,000 रुपए का ट्रांजैक्शन किया गया। इस मामले की शिकायत के बाद सुपेला पुलिस ने दोनों कथित पत्रकारों के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। मामले की जानकारी भिलाई नगर CSP सत्य प्रकाश तिवारी ने दी है। प्रार्थी धीरज महतो ने सुपेला थाने में एक लिखित आवेदन पेश किया था कि जो 2 कथित पत्रकार हैं जिनका नाम गोविंदा चौहान और रविकांत मिश्रा है, इन दोनों व्यक्तियों के द्वारा शासकीय योजनाओं का लाभ दिलाने के नाम से प्रार्थी के नाम से एक खाता खुलवाया गया IDFC बैंक सुपेला में। बाद में उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम बता करके उस खाते का पासबुक और उससे रिलेटेड जो भी ATM कार्ड्स और अन्य दस्तावेज इनके द्वारा लिए गए और अवैध रूप से सट्टे में उस खाते का उपयोग किया जाकर के उसमें भारी मात्रा में ट्रांजैक्शन किया गया है। महादेव ऐप एवं अन्य जो भी सट्टा है उनके पैसे का ट्रांजैक्शन किया गया है। प्रकरण में जो धीरज महतो हैं उनकी रिपोर्ट पर दोनों आरोपी गोविंदा चौहान और रविकांत मिश्रा के विरुद्ध BNS की धारा 318(4), 319(2) और 6(2) BNS के तहत अपराध कायम किया गया है और प्रकरण की विवेचना की जा रही है। प्रथम दृष्टया अभी तक दोनों आरोपियों के खाते में अवैध रूप से अर्जित आय लगभग 1,65,00,000 रुपए दिख रहे हैं, जिनकी सीजिंग की कार्रवाई की जा रही है। प्रकरण की विवेचना के दौरान यह भी ज्ञात हुआ है कि उसमें एक आरोपी जो गोविंदा चौहान है उसके विरुद्ध 376 का प्रकरण भी पंजीबद्ध है जामुल थाने में और इस प्रकरण में गिरफ्तारी के पश्चात वो लंबे समय तक जेल में भी रहा है। इस प्रकरण की विवेचना के दौरान जो भी अवैध रूप से सट्टे से प्राप्त आय और आय से प्राप्त जो भी धन अर्जन किया गया इनके द्वारा उनकी जब्ती एवं अन्य जो भी वैधानिक कार्रवाई है वो भी इसमें की जाएगी। जहां कहीं भी हो प्रार्थी आरोपी उनकी गिरफ्तारी इस प्रकरण में होगी और गिरफ्तारी पश्चात VNS के प्रावधानों के तहत जो भी अवैध रूप से अर्जित आय है उसकी भी जब्ती और कुर्की कार्रवाई की जाएगी। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ACN न्यूज़ के साथ। रवि साड़ी एम्पोरियम, जी हाँ, जयपुर की रवि साड़ी एम्पोरियम की साड़ियों की विशाल रेंज और अनेकों वैरायटियां अब दुर्ग शहर में भी उपलब्ध। जयपुर की साड़ियों में शिफॉन और गेंजा सिल्क, कोटा सिल्क, कोटा कॉटन, चंदेरी और जॉर्जेट। मनपसंद कलर व बेहद किफायती दरों पर
रवि साड़ी एम्पोरियम की जयपुरी साड़ियों की विशाल श्रृंखला के छत्तीसगढ़ के अधिकृत थोक विक्रेता बर्मीचा टेक्सटाइल में महिलाओं की मनपसंद जयपुरी साड़ियां उपलब्ध है। बता दें, केवल व्यापारी व दुकानदार बंधु ही संपर्क करें। हमारा पता, अधिकृत थोक विक्रेता बर्मीचा टेक्सटाइल, दिगंबर जैन मंदिर रोड, गांधी चौक, दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 90। पनेसर कंबाइन हार्वेस्टर टेक्नोलॉजी में है दम, खुशहाली रहे हर कदम। पनेसर एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड भारत की हाईटेक कृषि इम्प्लीमेंट्स बनाने वाली एक अग्रणी कंपनी है। पनेसर एग्रोटेक को विकसित कंपनियों में शुमार करने वाले मुख्य बिंदु है लीडर इन एग्रो सेक्टर, वर्ल्ड क्लास मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, बारीकी से जांची परखी और क्वालिटी पैरामीटर पर खरी हर मशीन, पूरी तरह ट्रेंड मैन पावर, अल्ट्रा मॉडर्न टेक्नोलॉजी से तैयार 24 घंटे उपलब्ध ग्राहक सेवा, कंबाइन हार्वेस्टर एवं कृषि इम्प्लीमेंट्स में पूरी रेंज। पंजाब राज्य को एक तरफ भारत का अन्न भंडारण पूरा करने में अग्रणी माना जाता है तो दूसरी ओर कृषि टेक्नोलॉजी में भी पंजाब नंबर एक पोजीशन पर रहा है। कंबाइन हार्वेस्टर और कृषि यंत्रों की श्रेणी में पनेसर एग्रोटेक का नाम हर उन्नत किसान बड़ी शान से लेता है। इसका कारण है कि पनेसर कृषि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में
हमेशा एक कदम आगे रहता है, क्योंकि इसके पास है स्पेशल रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। हमारे अनुसंधान एवं विकास विभाग में हमारे पास विशेषज्ञों और इंजीनियरों की शीर्ष टीम है, जिन्होंने विभिन्न कृषि उपकरणों में अग्रणी काम किया है। वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, मशीनरी प्लांट पूरी तरह से उच्च तकनीक मशीनरी और ऑटोमेटेड प्रणाली से सुसज्जित है। हमारे पास इन हाउस CNC मशीनें, VMC मशीनें, शॉर्ट ब्लास्टिंग सेक्शन, विशेष प्रकार के उपकरणों के साथ असेंबली लाइन और न्यूनतम समय में उच्च उत्पादकता वाली क्षमता है। हमारे पास लेजर प्लाज्मा कटिंग मशीन, हाइड्रोलिक प्रेस और शेयरिंग बेंडिंग मशीनें भी शामिल है, जो मानवीय गलतियों की संभावना को कम करती है और उत्पादन और गुणवत्ता के लेवल को बढ़ाती है। हमारे पास इन हाउस पाउडर कोटिंग सुविधा भी है, जो उत्पाद की गुणवत्ता को बढ़ाती है और एक टिकाऊ मजबूत फिनिश छोड़ती है। हमारी पाउडर कोटिंग लचीलेपन के साथ साथ इंसुलेशन गुण प्रदान करते हुए धूल, नमी और गर्मी से बेहतर सुरक्षा प्रदान करना सुनिश्चित करती है। आइए अब पनेसर कंबाइन की विशेषताओं के बारे में जानते हैं। पनेसर कंबाइन में किसान भाइयों को 8 फीट से लेकर 14 फीट तक हर साइज में कटर बार उपलब्ध है। पनेसर कंबाइन में इंजन की पावर में आप 74 HP से लेकर 133 HP तक कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं। पनेसर कृषि यंत्रों के उपयोग से खेतों में आपको प्रति एकड़ अधिक पैदावार मिलेगी। पनेसर कंबाइन की ग्राउंड क्लीयरेंस अधिक होने के कारण ये बहुत आसानी से गिरी हुई फसलों की कटाई कर सकती है, जिससे किसान भाइयों को अत्यधिक लाभ मिलेगा। मशीन द्वारा फसल की कटाई के साथ साथ सफाई के लिए आधुनिक तकनीक प्रयोग में लाई गई है, जिससे दानों की सफाई भी आपको बाकी कंपनियों से बेहतर मिलेगी। मशीन में ग्रेन ब्रेकेज ना के बराबर होती है, जिससे दानों का नुकसान बिल्कुल भी नहीं होता। अतिरिक्त वियर एंड टियर से किसान भाइयों को बचाए रखने के लिए पनेसर कंबाइन में ज्यादा घिसाई वाले पार्ट्स उच्च क्वालिटी स्टेनलेस स्टील से निर्मित किए गए हैं। मशीन में उच्च स्तरीय कंप्यूटराइज्ड बैलेंसिंग पार्ट्स यूज किए जाते हैं, जिससे मशीन स्मूथली काम करती है। रात के समय में कंबाइन को आसानी से चलाया जा सके, इसके लिए कटर बार में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। पनेसर कंबाइन के स्पेयर्स देश भर में मार्केट में सब जगह आसानी से उपलब्ध है। इसकी ग्राउंड क्लीयरेंस बहुत बढ़िया है, जिससे ऊंचे नीचे खेतों में भी आसानी से बढ़िया काम किया जा सकता है। पनेसर एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड की सभी मशीनें भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। पनेसर एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड किसान भाइयों के लिए हाई क्वालिटी वाले कृषि इम्प्लीमेंट्स एवं कंबाइन हार्वेस्टर उपलब्ध करवाने के लिए हमेशा वचनबद्ध है। धन्यवाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। SNG विद्या भवन सेक्टर 4 में नवरात्रि के अवसर पर 2 दिवसीय गरबा नाइट सीजन 2 आयोजित किया जाने वाला है। गरबा नाइट सीजन 2 का आयोजन 6 एवं 7 अक्टूबर को संध्या 5:30 बजे से रात 8 बजे तक किया जाएगा। गरबा नाइट सीजन 2 में 12 वर्ष से अधिक उम्र की बालिकाएं एवं महिलाएं भाग ले सकती है। 2 दिवसीय गरबा नाइट सीजन 2 में ग्रुप डांस कंपटीशन, बेस्ट डांसिंग क्वीन, बेस्ट कॉस्ट्यूम और बेस्ट गरबा डांडिया ग्रुप डांस के विजेताओं को पुरस्कृत भी किया जाएगा। अपनी बेहतर शिक्षा के लिए पहचाने जाने वाले SNG विद्या भवन में देश के सभी पर्व हर्ष और उल्लास के साथ मनाए जाते हैं। इसी कड़ी में इस वर्ष शारदीय नवरात्र पर भी भव्यता से 2 दिवसीय रास गरबा गर्भ नाइट का आयोजन किया जाएगा। गौरतलब है कि SNG विद्या भवन के प्रांगण में नवरात्र पर आगामी 6 व 7 अक्टूबर को भव्य गरबा नाइट का आयोजन होगा। इसमें भाग लेने वाले प्रतिभागियों का रजिस्ट्रेशन जहां प्रारंभ है, वहीं इस सीजन 2 के गरबा नाइट में प्रतिभागियों को कोरियोग्राफर व ZTV के मशहूर शो DID सुपर मॉम की टॉप 4 फाइनलिस्ट रह चुकी कोरियोग्राफर अनिला राजन के द्वारा बेहतर प्रशिक्षण यहां पर दिया जा रहा है। प्रतिदिन स्कूल डोमशेड में कोरियोग्राफर अनिला राजन प्रशिक्षित कर रही है। इस
इस दो दिवसीय भव्य रास गरबा नाइट का प्रशिक्षण दे रही कोरियोग्राफर अनिला राजन ने आयोजन की जहां जानकारी दी, वहीं शहरवासियों को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील भी की। ये हम लोग का सीजन 2 होने वाला है गरबा नाइट, यहाँ SNG के द्वारा की आयोजित किया जा रहा है, वो हो रहा है जबकि 6 और 7 तारीख को होने वाला है 5:30 से 8 बजे तक का। और ये सीज़न 1 इतना सक्सेस हुआ था कि अभी सीज़न 2 में भी हम लोग ने मतलब इतने रजिस्टर जो भी रजिस्टर इसमें कर रहे हैं उनके लिए फ्री वर्कशॉप हम लोग दे रहे हैं, हर दिन 3 से 4 बजे तक का है और स्कूल प्रीमाइसेस में ही है, डोम शेड में। और उसका आयोजित मैं ही कर रही हूँ। मेरा नाम है अनिला राजन, मैं DID सुपर मॉम्स की टॉप 4 फाइनलिस्ट रह चुकी हूँ। सो मेरे अंडर में आपको वर्कशॉप दिया जा रहा है और 3 से 4 बजे तक का रहेगा और आप लोग इसमें कंपटीशन में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं और जो भी रजिस्टर कर रहा है उसके लिए ये फ्री वर्कशॉप हो रहा है। और एक तरह केरला फूड का भी एक आयोजन बताया सर ने, क्या है वो? जी, यहाँ पर जैसे कि जो भी यहाँ पर गरबा खेला जाता है तो ऑफकोर्स खाने के लिए भी आप लोग देखा जाता है, तो उसके लिए भी स्टॉल्स रखा गया है। उसमें से जो स्पेशल इस बार जो स्पेशल अट्रैक्शन है उसे मैं कहती हूँ केरला फूड फेस्टिवल। यहाँ पर नाडन सद्या, उसके अलावा बहुत सारे केरला के, मुझे लगता है जो भी फूडी लोग हैं उन लोग को बहुत पता चलेगा कि केरला फूड में कितने सारे वैरायटीज हैं, तो उसके स्टॉल रखे गए हैं। दुर्ग भिलाई की जनता से क्या अपील करेंगी? मैं जनता से अपील करूँगी जल्दी से जल्दी आप लोग रजिस्टर करिए और फ्री वर्कशॉप आप लोग मेरे से जुड़े। और मैं चाहती हूँ कि जो सीज़न 1 में जैसे आप लोग ने सपोर्ट किया था, आगे भी इससे भी और सक्सेस करें। मैं भानुमती चौहान, कोऑर्डिनेटर ऑफ प्रोग्राम लिविंग। सबसे पहले मैं आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। हमारे SNG द्वारा इस बार सीज़न 2 गरबा का आयोजन किया गया है और इस आयोजन में आप आए और अपने आप को रजिस्टर्ड करें। और यहाँ पे आप लोगों को सबसे पहले जो मेन अट्रैक्शन है वो है केरला फूड फेस्टिवल, जो कि बहुत ही भव्य इसका हम आयोजन। और जो प्रशिक्षण ले रहे हैं, जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितने बजे टाइम, क्या टाइम है उनको प्रशिक्षण देने का? ये ट्रेनिंग का टाइमिंग है, फ्री वर्कशॉप है ये, जो कि 3 बजे से 4 बजे तक दिया जा रहा है। शहरवासियों से क्या अपील करेंगे? मैं ये अपील करूंगी कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस पे भाग लें और अपने आप को रजिस्टर करें और गरबा आयोजन को सक्सेस बनाएं। बहरहाल SNG विद्या भवन प्रांगण में आगामी 6 व 7 अक्टूबर पर भव्यता से रास गरबे का आयोजन किया जाएगा। दक्षिण भारतीय केरल का पारंपरिक व्यंजन यहां पर आकर्षण का केंद्र होगा। शहरवासियों से स्कूल प्रबंधन द्वारा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की गई है। ACN न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। धार्मिक आस्था के नाम पर लोगों से भगवान के दर्शन कराने की आड़ में हो रही अवैध वसूली पर आपत्ति लगाते हुए शहर के अमित जैन ने जन दर्शन पहुंचकर जैसी समितियों पर कार्रवाई किए जाने की मांग की। साथ ही कहा कि अगर लोगों से चंदा लेकर आयोजन किया जा रहा है तो वसूली किस बात की। आगामी दिनों से शुरू होने वाले धार्मिक त्योहार की आड़ में दुर्गा पंडाल एवं गरबा कार्यक्रम में मुफ्त दर्शन न कराने वाली समिति एवं अवैध पार्किंग शुल्क लेने वाली समिति पर कार्रवाई किए जाने की मांग को लेकर शहर के अमित जैन ने जन दर्शन पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई, साथ ही ऐसी समितियों पर कार्रवाई करवाने की मांग की। जिला प्रशासन द्वारा पार्किंग स्थल का कहीं भी इन लोगों के द्वारा परमिशन नहीं लिया जाता है और अवैध वसूली पार्किंग के नाम से टोटल की जाती है, तो उसका हम लोगों ने विरोध किया कि भाई फ्री पार्किंग होनी चाहिए, फ्री दर्शन की व्यवस्था होनी चाहिए। अगर हाँ कोई चंदा नहीं लिया दान के पैसे से, बोलता है कि मैं खुद आयोजन करवाया और इसका पैसा ले रहा हूँ, तो उस पर GST का प्रावधान है, मनोरंजन टैक्स लगाए और जिला प्रशासन उस पर्ची का रेट तय। ज्ञापन देने पहुंचे अमित जैन ने बताया कि दुर्ग जिले में सभी धार्मिक आयोजन आम जनमानस से चंदा लेकर दान के पैसों से कराए जाते हैं, उसके बाद धार्मिक भावना का लाभ उठाते हुए माता दर्शन, झांकी दर्शन एवं अवैध वाहन पार्किंग के नाम से उसी आम जनमानस से वसूली का कार्य समिति के आयोजकों के द्वारा किया जाता है, जिसमें धर्म के नाम पर हो रही अवैध वसूली पर आम जन में काफी आक्रोश का माहौल देखा जा रहा है। इस संबंध में उन्होंने प्रतिक्रिया दी। देखा होगा कि गणेश पूजा के समय टाउनशिप एरिया में सेक्टर 1 से लेकर 10 तक खुला धर्म के नाम से खुला व्यापार गणेश पंडाल के आयोजकों द्वारा किया गया। उसी का विरोध हम लोगों ने नवरात्रि के पहले, ये विरोध हम लोग पहले से आपत्ति दर्ज करा दिए हैं कि इस पे हर चीज़ का एक मापदंड तय होना चाहिए, दर्शकों को फ्री दर्शन की व्यवस्था मिलनी चाहिए, किसी भी तरह की वसूली ना हो,
और दूसरा जो पार्किंग स्थल अगर जिला प्रशासन द्वारा तय किया जाता है उसको छोड़कर कहीं पर भी अवैध पार्किंग वसूली नहीं की जानी चाहिए। अगर कोई करता है तो उसके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए। और तीसरा मांग, अगर कोई व्यक्ति बोलता है कि बिना समिति बोलती है कि बिना चंदे के पैसे से हमने ये आयोजन किया है अपने स्वयं के, तो उसका रेट जिला प्रशासन तय करे और मनोरंजन टैक्स का जो प्रावधान है उस पर मनोरंजन टैक्स लगाना चाहिए। जैसे आप कह रहे हैं कि चंदे से लेकर अगर बैठाई जा रही है प्रतिमाएं, तो वहां पर निःशुल्क श्रद्धालु की व्यवस्था है? बिल्कुल एकदम, अगर चंदा ले रहे हैं तो दान का पैसा है। दान मतलब आम आदमी का पैसा। आम आदमी के पैसे से अगर आप कोई आयोजन करते हैं और उसी फिर दर्शन के लिए उसी आम आदमी से फिर 100-100 रुपए का रसीद काटते हैं, ये क्या आस्था से कहीं ना कहीं आप लोग खेल रहे हैं। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी चिनवानी, जी हाँ, सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ है। डिप्लोमा इन फार्मेसी एवं बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए प्रवेश प्रारंभ है। बिना PPHD दिए सीधा प्रवेश। इतना ही नहीं, 10वीं और 12वीं में गणित और विज्ञान के छात्रों के लिए सुनहरा अवसर है। सीमित समय, सीमित सीटें, अगर है सपनों को पूरा करना तो भरना होगा ऊंची उड़ान। जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। प्रेजेंटली शंकराचार्य ग्रुप के अंदर 4 फार्मेसी कॉलेजेस हैं। इन चारों फार्मेसी कॉलेजेस में डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी की कोर्सेज रन होती हैं। साथ में मास्टर्स इन फार्मेसी एंड PhD की कोर्सेज भी हम ऑफर करते हैं। शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अंडर ये चारों कॉलेज एफिलिएटेड हैं एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने चारों कॉलेजेस को अनुमोदन दिया है। जैसे कि आप जानते हैं, शंकराचार्य ग्रुप इज फेमस फॉर इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, इट्स फैकल्टी, इट्स स्टूडेंट्स ग्रुप, and in every aspect we are on top as from 2008. So in this year also, agar aap chahte hain ki aap 12th ke baad science mein aapke bhavishya banana chahte hain, to Shankaracharya Professional University mein ek baar zarur aaye. Pharmacy course mein abhi direct admission 12th ki percent basis pe diya ja raha hai, to jald se jald sampark kare. तो एडमिशन हेतु जल्दी करें श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी भिलाई छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9977258200।
बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दुर्ग के साइंस कॉलेज में व्याप्त समस्याओं को लेकर NSUI के आदित्य नारंग ने साफ सुथरी मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा, जहां कॉलेज के प्राचार्य ने जल्द मांग पूरी करने का आश्वासन भी दिया। दुर्ग के शासकीय विश्वनाथ यादव तामस्कर स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय में NSUI के प्रदेश महासचिव आदित्य नारंग के नेतृत्व में साफ सुथरी मांगों को लेकर प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें साइंस कॉलेज में व्याप्त समस्याओं को लेकर विवरण दिया गया। सर, यस सर, बता दें छात्र छात्राएं कॉलेज की व्याप्त समस्याओं को लेकर कॉलेज प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा है, साथ ही खाली मटका लेकर कॉलेज में पानी की समस्याओं से अवगत कराया है। इसके साथ ही ID कार्ड, महाविद्यालय में पानी की समस्या, पार्किंग की व्यवस्था, CCTV कैमरा लगाए जाने की मांग रखी। इस दौरान प्राचार्य ने छात्र छात्राओं की परेशानियों को देखते हुए निम्न मांगों को जल्द से जल्द पूरा करने की बात कही। इस दौरान मुख्य रूप से मुरली डटसेना, गोविंद रात्रे, साहिल टंडन, बंटी बंजारे, अभय देशलहरा, तौहीद अशरफी, आकांक्षा वर्मा आदि शामिल रहे। ऐसी न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार को सत्ता से बेदखल हुए और भाजपा की नई सरकार बने 9 महीने हो चुके हैं। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अगुवाई में भाजपा की सरकार प्रदेश के विकास और लोगों के जन कल्याण के लिए बड़े फैसले लेने में जुटी है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस साल भर बाद भी नेताओं की गुटबंदी और गुटबाजी से उभर नहीं पाई है। इसकी बानगी बड़ौदा बाजार विधानसभा क्षेत्र में देखने को मिली। दरअसल न्याय यात्रा तीसरे दिन रोहासी से खरतोरा तक निकाली गई। तीसरे दिन का समापन जिले के आखिरी छोर खरतोरा चौक में होना था। यात्रा के आयोजन स्थल पर पहुंचने से कुछ देर पहले शकुंतला साहू के फोटो में चेहरे को पेपर से ढक दिया गया, फिर कुछ देर बाद कांग्रेस के झंडे से पूरे फोटो को ही कवर कर दिया गया। और जब इतने से भी मन नहीं भरा तो दीपक बैज के मंच में आने के चंद मिनट पहले पूरे पोस्टर को ही निकाल कर फेंक दिया गया। इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत, आप सब बने रहिए एसएन न्यूज के साथ। नमस्कार।